देश में आम चुनाव की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रही है। कल दिल्ली में मतदान था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदान करके जो संदेश दिया है, निश्चित रूप से वो देश के लिए एक प्रेरणादायक है। राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नागरिक मानी जाती हैं और इस रूप में उन्होंने मतदान किया। राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे बूथ बनाया गया था और ये एक पिंक बूथ है। ये चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है, ये यानी पिंक बूथ का मतलब है कि यहाँ की सारी व्यवस्था महिलाओं के लिए थी और वो लोग मतदान कर रही थी। राष्ट्रपति जी यहाँ पे लाइन में लगी और जब उनका नंबर आया तब उन्होंने मतदान किया और इसके बाद वो बाहर आई। वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बना था, राष्ट्रपति जी वहाँ रुकी, वहाँ पे फोटो दी और वहाँ लिखा हुआ है आई एम ए प्राउड वोटर। अब इस संदेश को देखना चाहिए। राष्ट्रपति भवन के द्वारा ये फोटो जारी की गई और ये बताना चाहती हैं राष्ट्रपति जी कि किस तरह भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने जो ये मताधिकार है, इसका कर्तव्य का पूरी निष्ठा के साथ पूरे राष्ट्र को सर्वोच्च मानते हुए मतदान में शामिल होना चाहिए, मतदान करना चाहिए। ये एक तरह से हमारे देश के नागरिकों को एक कर्तव्य बोध की प्रेरणा राष्ट्रपति जी ने दी। और इसके अलावा देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हों या पूर्व राष्ट्रपति हों, रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने भी मतदान किया। वर्तमान उपराष्ट्रपति जी ने भी मतदान किया और रामनाथ कोविंद जी ने एक अच्छी बात कही कि ये जो मतदान है ये अधिकार कर्तव्य के साथ साथ ये हमारी ताकत भी है। और इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी मतदान के प्रति प्रेरणा दी। तो ये एक समाज में पूरे देश में जाना चाहिए और इन महानुभावों ने ये भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये भी एक संदेश दिया है कि ये देश भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र है और बड़ी सफलता के साथ ये आगे बढ़ रहा है और इसमें एक विकसित भारत की दिशा में जो एक यात्रा है उसमें मतदाताओं का भी अपनी अंतरात्मा से भी वोट करने का एक नैतिक कर्तव्य है, अधिकार है और इसका प्रयोग उनको करना चाहिए। अब जो चुनाव मतदान के जो चरण बचे हुए हैं उसमें खास तौर पे इन नागरिकों को जो हमारे देश के हैं, ये देश की राष्ट्रपति जी के, पूर्व राष्ट्रपति जी के, वर्तमान उपराष्ट्रपति जी के, इनके जो संदेश हैं इनको ध्यान में रखकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।